संत मन व्यास संतोषी कठोर हरि कथा
वेदांत सूत्रों के द्वारा हमने सारे मायावाद को सारे माया को पहन करते थे जब उसको पालन को करते थे बोले नारायण इनका नाम ही नारायण है विष्णु का काम कौन करते थे ये नारायण है ये विष्णु का काम का नाम ही नारायण है इसलिए इनका वेद नाम भी नारायण है ब्रह्मचर्य का नाम भी गौर नारायण है जब सन्यासी ने प्रण किया इनका नाम भी नारायण तीन जगह नारायण नारायण है इसलिए नारायण का मतलब क्या है बोले न मतलब होता है रस है आया मतलब होता है सारे रस का जो मूर्तिमान स्वरूप है न मतलब होता है जितने इंसान है आया मतलब होता है सारे जीव का जो आश्रय देने वाले सतमुच से ये ऐसे एक महापुरुष थे यहाँ पर देखने पर पता चलता है जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्य वार्ता एक दिन ऐसे होगा काले और बुरे लोग भी चले निकाली वैशिष्टता इनके प्रचार अगर दूसरे तरफ में रख दिया जाए दिखाई पड़ेगा आपको जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो भजन इनका जो आदर सदिया जो प्रचार है इनकी बड़ा भारी होगा इनके लिए इतने बड़े बात भक्ति प्रचार कैसे गोस्वामी महाराज ला सकते थे क्योंकि प्रभुपाद है कौन कहते कोई साधारण व्यक्ति नहीं हम कहते हैं ना मुनीन्द्र बिंद दंडित त्रिलोक इसलिए इनकी जो अवदान है अगर आप लोग जितने भी महापुरुष का भविष्य वाणी जितने भी जिन जीवों को महापुरुष ने जो करवाया करवाया लेकिन अगर पूर्ण रूप में अगर की भविष्य वाणी को पृथ्वी में सबके सब सुखी मैया लोग मर गाय की कीर्ति एक दिन सबके सब लोग प्रसन्न हो गए थे महापुरुष का कीर्तन करेंगे अगर ये पूर्ण रूप में अगर इसने सक्सेस मिल गया तो किसने दिया है कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है जब उन्होंने चले गए और उन्होंने उनको शिष्य प्रशिष्य करा दिया है पर फल का महत्व का वृक्ष का महत्व कब है पर फल का परिचय दे वो फल के द्वारा इसका परिचय देता है प्रभुपाद ये वृक्ष है उसमें जो दिव्य दिव्य फल आया है जैसे जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उसने ये अन्य तरह उसी वृक्ष लगी और सुंदर सुंदर फल आए जिसमें भक्ति प्रज्ञान
इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा कहोगे बलराम समिति। इनके अद्भुत अद्भुत इनके मैसेज चला है, इसलिए कभी कभी ये बलराम समिति भक्ति बलराम चला भावना गोस्वामी महाराज नारायण तीर्थ माधव और कोई सुनकर कर क्या बलराम बलराम की तो माया क्यों कर देते हैं शंकराचार्य के वास से इसको बचे। लेकिन हमारे भक्ति करकर केशव गोस्वामी महाराज ने एक नया दिशा उन्हें दिखाया कि नहीं वेदांत माया का मतलब नहीं, वेदांत का मतलब होता है वेद का जो सार है, बोले वेद का सार क्या है, बोले सर्व वेद इतिहास नाम सार सार समुद्र का श्रीमद भागवत को बताया कि ये सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवत है जो नियम अल्प तरुण ललित अलम ये भागवत है। बोले भागवत का सार क्या, बोले ब्रज प्रेम है, बोले ब्रज प्रेम का सार क्या है, बोले गोपियों का प्रेम है जिसको बताए आराध्य भगवान ब्रज संस्थाय तद धाम वृंदावनम रमणा का तीन उपासना बोले ब्रज का दुर्गे क्या कर दिया ब्रज के बधुओं ने जो रास्ता दिखाया ये रास्ता इससे तो बता और महाप्रभु यही प्रेम को लेने के लिए जो अनंत चरण की रात यही प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन में एक बार करने के लिए महाप्रभु श्री कलयुग में अवतरित होते हैं। इसलिए उन्हें यही चिंतन के लिए आए थे। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान के लोग होते हैं महाराज ये वेदांत शब्द के द्वारा उन्होंने ये दिखाया वेदांत का मतलब होता है वेद का जो सार है वेद का सार ब्रजवर्ती और जो सन्यासी लोग जो वेदांत वेदांत इनको सब भूमि मान कर देते हैं मतलब जितने सन्यास लोग सबके साथ श्री गोपियों को प्रेम को प्राप्ति हमारा जीवन का यही लग गया महाप्रभु यही करके लिए आए थे। इसलिए जो विग्रह को देखो ये तीनों तीनों ही एक रंग का है, इन्होंने एक अद्भुत चीज ने सफर किया। कोई कोई कहने लगे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज लगता है सागर सूत्र का काम कैसा मिल जाए ना, इसलिए मैं हर मंदिर में सागर सूत्र के लोगों ने स्थापना कर दिया। भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज पूरा एक अस्त्र लिखा जो विग्रह दिया है तत्व अस्त्र है और तत्वास्त्र में दिखाया कर नहीं ये जो तीन रंग है ये सबके सबसे उन्नत उज्जवल रस का ये प्रतीक है। श्रीमद महाप्रभु ही राधा जी भाव में ये तीनों ही विराजित है। कृष्ण जी के सदैव मतलब राधा चिंता निवेशन जैसे करते कृष्ण जी का राधा जी की चिंता करते करते कृष्ण सदैव महाप्रभु क्यों मतलब राधा भाव दूती सुगलितम नाम कृष्ण स्वरूपम राधा जी प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा जी भाव और अंग गांधी को लेकर आए। ये तीनों विग्रह नहीं एक कोरोना को जल रस की ये प्रतिलोक विग्रह ये तीनों, इसलिए उन्होंने ये अद्भुत रूप में ये सब चीज जो उन्होंने स्थापना किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए गुरु वर्गों का आशीर्वाद को लेकर के जैसे हम नवद्वीप धाम को परिक्रमा करने के लिए आए अच्छे तरह से संपन्न हो हम सबके सब इनके आशीर्वाद को गुरु वर्गों का लेने के लेने के लिए आए हम सबके सब गुरु वर्गों को चरण में प्रणाम करते हैं। ये लोग हम सबको बड़ा आशीर्वाद करे जैसे नवद्वीप धाम परिक्रमा हम लोग सबके सब श्री सुख रूप में कर ले। बस श्री सचिनंदन गौर